वेलकम बैक टू स्टॉक्स फॉर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो टाटा स्टील लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 117.45 पे ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक। 1.80 पैसे अप यहाँ पे मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ चुका है। तकरीबन 1.56% अप यहाँ पे मूवमेंट किया है टाटा स्टील स्टॉक ने। मीन्स तकरीबन देख सकते हैं आज गैप अप से ओपन हुआ था स्टॉक, पर जैसे ओपन हुआ 117 लेवल को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक बाइंग साइड में एक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूवमेंट बनाई, पर 118 लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। मीन्स यहाँ पे 117 लेवल को सपोर्ट भी बनाते हुए नजर आ चुका है, उसी के ऊपर पूरे दिन भर सेटल हो चुका है स्टॉक। न्यूज के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। देख सकते कि न्यूज की बात की जाए तो करंटली कोई खास न्यूज नहीं रिगार्डिंग टाटा स्टील स्टॉक। टाटा स्टील्स इंडिया बीज ड्राइव्स डिलीवरी ग्रोथ, एरोपिक वर्सेस 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जम्प। तो टाटा स्टील के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी मोमेंटम, एक अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है इस क्वार्टर में। तो मार्केट कैप जो है 1.44 लाख करोड़ की है, पी रेशो 5 का है और डिविडेंड यील्ड 4% की। पिछले 5 दिनों की भी बात की जाए तो स्टॉक में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 120 लेवल रेजिस्टेंस एक्ट होती हुई नजर आ चुके हैं। वॉल्यूम के ऊपर नजर डाली जाए तो ट्रेडेड वॉल्यूम 3 करोड़ 42 लाख का है, ट्रेडेड वैल्यू 40,296 लाख की है। अब बाइंग के लिए जो है 28 लाख है, तो सेलिंग के लिए 82 लाख ऑलरेडी पेंडिंग है। देखो सेलर्स के बहुत ही ज्यादा ना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मीन सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में देखे जाए तो 3 करोड़ 2 लाख में से 1 करोड़ 24 लाख क्वान्टिटी डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, कुल मिला के 41%। चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते कि स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे 102 लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक ने एक तेजी देखने को मिले। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते कि तकरीबन 15 दिनों के अंदर आप लोगों को एक यहाँ पे 15 पॉइंट मिल जाते थे, एक अच्छे खास है यहाँ पे आप देख सकते। पर ऊपर जाता है तो 118 को यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो 120 लेवल जो है अगला रेजिस्टेंस लग सकता है यहाँ पे टाटा स्टील स्टॉक के लिए।